अयर ने मेरे यही कहा कि अभी तुमने क्योंकि बहुत टफ टाइम देखा है तो अभी तुम सेफ रहो और अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल लाइफ की तरफ आओ, घूमो फिरो खाओ, इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना, इस्लामाबाद में रहो, लेकिन मतलब अभी अभी रिलैक्स हो जाओ, ये बहुत लंबा टाइम था 14 मंथ्स का, तो अभी थोड़ा अब लाइट कर लो ना, लाइट फील करो भी। मगर हुआ ऐसे कि जैसे ही हम कह लें कि निकलते ही, मतलब जो पहले ही खाने पे गई उस पर इतनी बातें सुनी कि लगा जैसे मैं कहीं पार्टी करती यूरोप से ही आई थी, जेल से तो आई नहीं। तो नॉर्मल होना चाहते थे, नॉर्मल रूटीन में आना चाहते थे, एक तो गवर्नमेंट ही नहीं जान लेने सुकून को लेने दे रही, हर रोज या तो किसी जगह वारंट निकले होते हैं, या तो कहीं किसी कोर्ट में हेयरिंग होती है, या तो कहीं से प्री अरेस्ट ले रहे होते हैं, तो कहीं से प्रोटेक्टिव बेल ले रहे होते हैं, और उसके बाद भी जो नॉर्मल होने देना अपने हालात नहीं हो रहे, हर चीज के लिए ऐसे लग रहा है अभी कि जवाब दे हैं। मेरे ख्याल से मैं जो सिर्फ सांस ले रही हूँ उसके लिए जवाब देनी होगी, ये क्यों ले रही हो, मर जाओ, वरना तो हर चीज पे ही लोगों का एतराज हो रहा है यहाँ बाहर, तो बहुत ही अजीब हालात है। मुझे पता था कि मैंने जो एक दिन पहले भी 9 मई में जो भी कुछ हुआ, मुझे पता था मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ, तो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, मैं छुप जाती या भाग जाती, तो जो नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट था मैं उसमें भी नहीं हुई थी, क्योंकि अपने तो जहन में यही था ना कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ, मतलब मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मुझे क्या ही कह लेंगे। तो मैं जब लिबर्टी से अरेस्ट हुई तो उन्होंने कहा कि 144 लगी हुई है, तो मैंने कहा मैं हुई अकेली, तो मैंने कौन सी वायलेशन की है 144 की भी अगर आप कहें तो मतलब उसमें भी 9 मई में भी, मतलब जिस तरह हमें जिस तरह केसेस में डाला हुआ है कि जी इन्होंने इंस्टिगेट किया या लोगों को घरों से निकालने में, और ये वो करना जैसा था कि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं लगाई क्योंकि हमें पता ही नहीं था प्रोटेस्ट कहाँ पे, खुद भी नहीं पता था लोगों को क्या कहना था, हम तो खुद पूछते पूछते गए थे। और फिर मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ, औरतें मैंने देखी ही नहीं घर के अंदर, मैंने कोई औरत घर के अंदर जाती देखी ही नहीं। खान साहब की बहनें भी बाहर खड़ी लोगों को डांट रही थी कि आपको खान ने ये सिखाया है कि आप घरों में घुस जाएं और आप जाके अंदर से चीजें उठाएं। डॉक्टर यास्मीन मुसलसल मना कर रही थी कि मत करें, मत जाएं घर के अंदर। तो मुझे तो कभी जहन में आया ही नहीं कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, और इस तरह अरेस्ट करेंगे कि जी आपने एक ही टाइम में 7 जगह आगे लगा दी और फिर उसके बाद दूसरे शहरों में भी लगा दी, तो ये तो नहीं सोचा था। मगर चले अच्छा है मैं लिबर्टी से गिरफ्तार हो गई, जिस टाइम कॉल थी तो मैंने इस बात का थोड़ा वेट कर लो, अभी लोग आएंगे फिर चले जाना, ये अरेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें भी अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी बात मुझे याद है। इसमें फिर क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं है, और वैसे भी अगर खान को इन्होंने अरेस्ट कर लिया तो मुझे भी कर लेंगे तो क्या। तो मैंने कहा भी ठीक है, फिर आप डिबेट ही खत्म है, और आपको पता है फिर वाइफ्स के आगे बात चलती थी, और कुछ देर बाद मुझे पता चला कि अरेस्ट हो गई है। तो उसके बाद फिर मैं जो लिबर्टी का थाना है वहां पर चला गया, लेकिन ये वो प्रिजन मैन में ही घुमाते रहे, कोई केस ही नहीं बताया हुआ था, तो किसी प्रॉपर स्टेशन में भी नहीं लेके जा सकते थे ना, केस तो बताते ही नहीं थे, प्रोड्यूस तो कोर्ट में करते ही नहीं थे, तो उसके लिए वो हमें कभी चूंग थाना, कभी CTD और कभी कोतवाली, वो ये डिफरेंट थानों में घुमाते फिराते रहे। पर जब उन्होंने हमें प्रॉपर अरेस्ट किया, मतलब जब हमारे पे FIR की और हमें प्रोड्यूस किया कोर्ट में, उसके बाद वो जब भी अरेस्ट करते थे तो फिर लिटन थाना लेके जाते थे, क्योंकि वाहिद जो वेमेन पुलिस स्टेशन है वो लिटन रोड पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। लेकिन मेरी जब हुई ना तो वो अहमद जा बाजवा के पास हुई थी अप्लीकेशन फाइल, तो बाकी तो उन्होंने मार्क कर दी मंडे के लिए, लेकिन जो मेरा लॉयर था ना वो उन्हीं के चैम्बर का था, उन्होंने कहा था ये मैं नहीं सुन सकता, तो उन्होंने रेफर कर दी कि दोबारा किसी और जज के पास लगवाए, तो मेरी सैटरडे को लग गई, तो बाकियों की मंडे की डेट पड़ी थी, फ्राइडे था, कोई इमरजेंसी केस था, उन्होंने मेरी साथ मेरी भी लगा दी, तो मेरे ही पिटीशन पे ही ना वो MPO खत्म हुआ था, और सारी औरतें रिलीज हुई थी वहाँ पर सैटरडे की, और लेकिन उसके बाद वो वहाँ से जब रिलीज किया तो डट करके ले गई ये चूंग थाने पहले दिन, वहाँ पर जाके इन्होंने 17 थी टोटल औरतें जो की गई थी, उनमें से 15 रिलीज कर दी थी, और फिर ये 2 रह गई थी वहाँ पर, और फिर उस पर अपडेट किया हुआ था, मुलाकात नहीं हो सकी मेरी शर्म से, क्योंकि मैं हाईकोर्ट में था, अपने पिटिशन फाइल की हुई थी, तो बाद वहाँ से ले गए, उन्होंने रिमांड दे दिया 24 का, 24 को प्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने ID परेड नहीं हुई, फिर 2 जून को इन्होंने प्रोड्यूस किया था उनको, और जब मैं 2 को गया ATC तो फिर सदन ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और उन्होंने कहा था जी के मान जाओ कर लो, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड को भी डाल देंगे, तो इसने कहा जाओ हस्बैंड को भी डाल दें डालना है, तो क्योंकि इसकी सिम जो थी वो मेरे नाम पर थी, तो जियो फेंसिंग में तो मेरा नाम नहीं आ रहा था, तो बात रनिंग गई मुझे डाल दिया इस केस में, तो फिर उसके बाद इसने कहा अब आप पीछे ना आना मेरे क्योंकि अब तुम्हें रेस्ट कर लेंगे, इन्होंने कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को भी रेस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद 2 के बाद मैं इसके पीछे गया भी, फिर मैं मकरूबी वाली जिंदगी थी, फिर अब्बा जान अम्मा जाती
और बच्चे भी इसके माँ बाप के पास थे, तो फिर मैं बच्चों से भी उसके बाद 45 डेज के बाद मिला था, मैं भी बाहर होने के बावजूद। आप लोगों पे ना ये काफी हैवी एफआईआर करने लगे हैं, उसमें 302 भी है और उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें सब कुछ भी है। तो हमें तो हमारे घर वालों को तो ये बता ही नहीं रहे थे क्या करना है एफआईआर में। तो फिर जब हमने भी जाहिर है पता करवाया कि वो क्या चक्कर है, फिर पता चला कि जी इन्हीं कंडीशंस पे जा सकेंगे, कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि जी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खान को आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे, इस जगह निकलेंगे नहीं, मतलब इस तरह की चीजें जो थी ये सब करनी पड़ेंगी। तो फिर मेरे अबू ने, मैंने अपने अबू को कहा कि मैंने ये ना तो ये सब करना है और ना मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, ये चाहे उल्टे भी लटक जाए साबित नहीं कर सकेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन भी करते थे तो उसमें भी पूछते जा रहे थे, अच्छा आप जो ये बोल रही थी ना ये किसको बोल रही हैं? मैंने कहा जी मैंने अगर नाम लिया तो आप बताएं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, फिर आप बताएं कि आप उनके बारे में विचारों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, मैंने नहीं नाम लिया किसी का, तो इसलिए वो बेचारे साबित भी नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात जो ये थी वो ये थी कि मुझे पीटीआई के किसी सोशल मीडिया अकाउंट की मुझे नहीं पता था, ना मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर थी, ना मैं वैसे कोई नोटिफाइड मेंबर थी, ना कोई ओहदा था मेरे पास, तो वो बेचारों ने मेरे से क्या ही मालूम ली थी, मेरे पास कुछ होता तो वो मेरे से मालूम लेते ना, ना मैं किसी कमेटी की मेंबर थी, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको एक्चुअली इशू सिर्फ मेरे बोलने से था कि हाई प्रोफाइल केस तुम मुंह उठा के लेके आ जाते हो और फाइलें तुम खाली लेके आ जाते हो, इसको जो लेके आए हो इसके खिलाफ है क्या तुम्हारे पास, मैं किस बेस पर मार दूं, तो मतलब कुछ नहीं था इनके पास। बस उन्होंने, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, उन्होंने अच्छा खासा टाइम गेन किया, हर दफा एक टेस्ट मांग लेते थे कि जी ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, बोल नहीं था, फिर टेस्ट मेरा दो बार हुआ, वोट एक की नहीं आई हुई। मैंने अपना पहला वोट जो था ना पीटीआई को ही दिया था, मेरे अपने बच्चों की पिक्चर मैंने शेयर की हुई थी जिसमें मैं उनको जलसे में भी लेकर गई हुई थी, मोहम्मद पे छोटा सा था, तो हम सपोर्टर तब से थे 2013 से। अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, सारे लोग सारी पार्टी सारे इदारे और उसके पीछे पढ़ के उसको आप निकाल दें सर रजीम चेंज करके, तो जब उन्होंने ये कहा ना कि ऐसे कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं है, तो तब अगर ये कौम जवाब ना देती जिस काम के लिए उसने इतने साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर लानत थी हम सब पर। अगर वो बंदा ये समझता कि वो अकेला है और सब मिलके मेरा अगेंस्ट हो गए हैं और हम तब भी ना निकलते, तो फिर हमें ढूंढना चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है वो बिल्कुल सही टाइम था जब हम खान को बताते हैं कि आप बिल्कुल अकेले नहीं है, क्योंकि सारी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है, आप नवाज शरीफ नहीं है, आप जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे पूरी कौम आपको वहीं खड़ी नजर आएगी आपके साथ। मैं सबसे पहले जो प्रोटेस्ट पे गई थी, जो मेरी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, वो इमरान रियाज खान के लिए प्रोटेस्ट जो था उस पर गए थे जब उनको पहले उन्होंने अब्डक्ट किया था। वो मतलब मुझे वो बहुत पसंद थे, वो बहुत अच्छा बोलते थे, तो मुझे इस चीज पे इतना सख्त इरिटेशन हुई कि किसी बंदे को आप उठाकर ले जाए, भाई आप क्यों किसी को इस तरह मार रहे हैं, क्यों लोगों के घरों में घुस रहे हैं, और फिर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है रिएक्शन नहीं आएगा इस सब के बाद, आपको क्या लगता है कि मोहब्बत बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली नफरत बढ़ेगी ना जब आप लोगों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक जायज हक बात की, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई पसंद नहीं है, आप चाहते थे पूरी कौम उससे नफरत करे, वो क्यों करती? अब अगर मुझे कोई पसंद ना हो तो मैं जबरदस्ती किसी को घर से उठा के ले जाऊंगी भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था तुमने कैसे पसंद कर लिया। हर बंदे, आप घर में रहते हो, बहन भाइयों की चॉइस एक जैसी नहीं होती। अभी जैसे मेरे फादर पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रहे थे, उनको आज तक कन्विंस नहीं कर सकी।